डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा मसला अहमियत इख्तियार कर चुका है और मसला ये है कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का फैसला हुआ है। सऊदी अरब में मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के फैसले पर इस वक्त बात की जा रही है और सऊदी अरब के हुकाम ने हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया है, जिसके तहत मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को महदूद किया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये दिन भी आने थे जब सऊदी अरब में ही मसाजिद के लाउड स्पीकर्स को कंट्रोल किया जाना था। आप इस साजिश को किसकी साजिश कहेंगे और आप इस मसले को किस तरह देखते हैं? सऊदी अरब के लोगों और उनके हुकाम के ईमान का हाल ये हो चुका है कि सऊदी इस्लामी अमूर की वजारत ने ऐलान किया कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज को अपनी बुलंद तरीन सतह से कम करके इसे एक तिहाई तक ऊंचा करके अजान दी जाए, यानी जो हिदायत दी गई है इन हिदायत के मुताबिक आम नमाजों में सिर्फ अजान और अकामत को बैरूनी लाउड स्पीकर्स पर अदा किया जा सकेगा, जबकि नमाज और मुकम्मल खुतबात लाउड स्पीकर्स पर नहीं दिए जा सकेंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वो इस्लामी मुल्क है जहां से दीन उठा था, जहां से इस्लाम का परचम सरबुलंद हुआ था, जहां से दीन की सरबुलंदी के लिए काम हुआ था, जो इस्लाम का और दीन का मरकज करार पाया था? इस फैसले के क्या समरात मुरतब होंगे, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब में आजान की आवाज को कम करने का फैसला हैरान कुन तौर पर सऊदी शहरियों की शिकायत पर किया गया है। इस ज़मन में सऊदी अरब की विजारत बराए इस्लामी अमूर ने बयान दिया कि यह मसला अवामी शिकायत के बाद सामने लाया गया और फैसला किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि अगर अवामी शिकायत के बाद यह सवाल उठाया गया है तो सऊदी अवाम की रूह और ईमान के बारे में क्या कहा जाए। तहम दूसरी जानब सऊदी शहरियों की जानब से इस फैसले पर तनकीद भी जारी है, जिससे एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये अवामी शिकायत ही थी जिनकी वजह से यह फैसला किया गया, क्योंकि सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर अवामी की जानिब से इस फैसले पर खासी तनकीद की जा रही है। यहां पर एक सवाल और उठता है कि सऊदी अरब में रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में तो ऊंची आवाज में मौसीकी का लुत्फ उठाया जा रहा है, इस पर सऊदी अवाम और सऊदी हुकाम को कोई मसला नहीं और ना ही किसी शिकायत का सामना है। पाबंदी लगाई गई है तो सिर्फ और सिर्फ आजान और खुतबे पर। सऊदी अरब में सोशल मीडिया की हर साइट पर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स और क्लबों में भी ऊंची आवाज में म्यूजिक पर पाबंदी आयद की जाए। दूसरी जानिब कई लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए दलील पेश की है कि मसाजिद के स्पीकर्स की ऊंची आवाज इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए तंगी का बायस बनती है। इस बात से जाहिर होता है कि अरब शहरियों के ईमान की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। सऊदी अरब के वजीर बराए इस्लामी अमूर का कहना है कि सऊदी अरब में कई वालदैन की जानिब से शिकायत की गई कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की वजह से उनके बच्चों की नींद में खलल पड़ता है। यकीनी तौर पर यह एक लम्हे फिक्रिया है कि इन वालदैन का ताल्लुक किस दीन किस मजहब से है कि आजान की आवाज यानी नेकी की तरफ और रब की तरफ बुलावे से इन बच्चों की नींद खराब होती है। एक वीडियो में यह बात भी की गई कि जिन्होंने नमाज पढ़नी हो वो इमाम की आजान का इंतजार नहीं करते। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या आप समझते हैं कि यह बात हकीकत के करीब तरीन है? एक बात बिल्कुल वाज़ह है कि जो ऐसा सोचते हैं उनको होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि ऐसी सोच के साथ आप सल्तनत के दुश्मन हैं। आप अपनी इज्जत और कदरो मंजिलत खराब कर रहे हैं। आप मुल्क को आजाद ख्याल बनाने के लिए अवामी जिंदगियों से मजहब के किरदार को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और पूरी दुनिया इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह है कि सऊदी अरब को इस मॉडर्निटी पर लाने वाला और इस तर्ज की पाबंदियां आयद करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है। एक तरफ आप पाबंदियों में नरमी ला रहे हैं तो दूसरी जानब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन भी लगा रहे हैं। आप औरतों के हकूक के हवाले से तो काम कर रहे हैं, औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दे रहे हैं, बगैर कफील कारोबार की इजाजत पर भी काम कर चुके हैं। एक खातून सऊदी स्टॉक एक्सचेंज की सरबराह बनती है तो ये अच्छी बात है। आपसे मुतलका तमाम तर इकदामात ठीक हैं, लेकिन जब आप सऊदी अरब में सिनेमाओं में फिल्म दिखाने की बात करते हैं, दुनिया का पहला एंटरटेनमेंट सिटी बनाने की बात करते हैं और इस्लामी अकदार को फरोग देने की बजाय आप अजान की आवाज को कम करने का फैसला करते हैं तो यह कैसा इंसाफ है? यह भी कहा जाता है कि बैरूनी कुवतों की जानिब से इनको इस किस्म के एजेंडों पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन यह किस किस्म की कमजोरी या किस किस्म का एजेंडा है कि आप आजान की आवाज को ही कम कर दें? आजान तो एक मनादी है
रब के घर की तरफ एक बुलावा है जिसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को फलाह और इस्लाह की जानिब लागिब किया जाता है। आप इस आवाज को कम कर दें तो यह सरासर फैसला गलत है। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि गुज़श्ता 30 साल में जो कुछ हुआ वो सऊदी अरब का हकीकी रूप नहीं था। अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए कि सऊदी अरब का हकीकी रूप क्या था। उनका कहना था कि 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद लोगों ने ईरान की नकल करने की कोशिश की थी, जिनमें एक सऊदी अरब भी था, और हमें मालूम नहीं था कि इससे कैसे निपटा जाए, और इस तरह यह मसला पूरी दुनिया में फैल गया। अब वक्त आ गया है कि इस मसले से छुटकारा पाया जाए। तो क्या आप इस तरह के फैसले करके इसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? 2019 में MBS ने सऊदी अरब के इंतहाई कदामत पसंद कद को खत्म करने के लिए मुल्क भर में फिल्म्स और कंसर्ट समेत खेलों के इनेकाद को फरोग दिया और इस बात का तहैया किया कि सऊदी अरब को अब एतदाल पसंद इस्लाम की जानिब लेकर जाया जाएगा। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि यहां इंतहा पसंद इस्लाम कौन सा है जो आप एतदाल पसंद इस्लाम की बात करते हैं? इसके अलावा इस्लाम की यह कौन सी किस्म है जिसको आप मुतारिफ करवाने का इरादा रखते हैं? यह कौन सा इस्लाम है जिसके जरिए आप फिल्म, ड्रामे और म्यूजिक कंसर्ट्स को आगे लाने और मसाजिद में आजान की आवाज को कम करने का फैसला कर रहे हैं? जब मजहबी पुलिस के एहलकार सऊदी अरब में खवातीन और मर्दों को सरेआम बैठने और खवातीन के शोख रंग के लिबास को पहनने से रोकते थे तो तब भी तनकीद की जाती थी, तो अब जब आप एतदाल पसंद इस्लाम की जानिब बढ़ने की बात करते हैं तो इस दौरान आजान की आवाज को कम करना इस्लाम में क्या जायज है? ऊंची आवाज में अल्लाह और रसूल का नाम लेने की आवाज को कम करना क्या इस्लाम में सही अमल है? और ऐसे में अगर कोई आपके इन अवामिल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसको अब्दी नींद छुलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आपको क्या लगता है कि आप हमेशा इस ताकत की कुर्सी पर सरफराज रहेंगे? आप जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप एतदाल पसंद इस्लाम के नाम पर तमाम इस्लामी कवानीन और रिवायात में बुनियादी और नाजायज तब्दीलियां करते जा रहे हैं जो इस दीने इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आपकी वजह से दीने इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचेगा तो आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। जान लीजिए कि इक्तदार आने जाने वाली चीज है, लेकिन मौत बरहक है जिसका वादा अल्लाह ने किया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले पर आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।